Good morning, students. Today we will be discussing the topic tissues, that is a chapter 6 of class 9th biology. Okay? Now, what do we mean by tissues? टिश्यूज होते क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था सेल. सेल क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे डिस्कवर हुई एंड ऑल दैट. वी हैव डिस्कस दैट इन द लास्ट लेक्चर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टिश्यूज. टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज बेसिकली होते हैं तुम्हारा ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज. जैसे सेल, सेल ने बनाया टिश्यू. ठीक है, टिश्यू ने बनाया तुम्हारा ऑर्गन, ऑर्गन से बना फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऐसे तुम्हारा फुल ऑर्गेनिज्म बना है. अब जो ग्रुप ऑफ सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक साथ होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अरेंज्ड टुगेदर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो भी सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, एक साथ अरेंज होते हैं, एक साथ काम करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, अब अगर हम देखें टिश्यू बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली होते हैं टिश्यू तुम्हारा, देखो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों अलग अलग होते हैं. क्यों क्यों प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं? प्लांट्स के जो मोस्टली टिश्यू होते हैं वो डेड सेल्स से बने होते हैं, डेड सेल्स. और एनिमल के जो मोस्टली टिश्यू होते हैं वो लिविंग सेल्स से बने होते हैं. अब देखो, प्लांट्स तो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, स्टिल खड़े रहते हैं, तो उन्हें ओब्वियसली कम एनर्जी चाहिए. कम एनर्जी चाहिए तो डेड सेल्स काफ़ी हैं जो टिश्यू जो भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, क्योंकि डेड सेल्स को मेंटेनेंस के लिए भी कम एनर्जी चाहिए और कम ही चीज़ें लगेंगी, इसीलिए जो इनके टिश्यू हैं वो डेड सेल्स से बने होते हैं. अब एनिमल्स हैं, हमें हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो हमारे टिश्यूज हैं वो मोस्टली लिविंग सेल से बने होते हैं. और एक और रीज़न है, दोनों की जो फूड हैबिट्स है, दोनों की फूड हैबिट्स डिफरेंट होती है. प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो दोनों की फूड हैबिट्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की टिश्यू रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो टाइप का है तुम्हारा, मेरिस्टमैटिक, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. सबसे पहले मेरिस्टमैटिक करेंगे. मेरिस्टमैटिक फर्दर थ्री टाइप का होता है बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड द रीजन वेयर इट इज प्रेजेंट. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल. सबसे पहले देखो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता कौन सा है. मेरिस्टमैटिक टिश्यू को हम बोलते हैं बेसिकली ग्रोइंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू. क्यों? क्योंकि ये प्लांट के ग्रोइंग रीजंस पे प्रेजेंट होता है. अब ये डायग्राम देखो, तो
मान लो ये प्लांट की स्टेम है, ठीक है, ये ग्रोइंग टिप है स्टेम की, ठीक है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये देखो। अब जो तुम्हारा ये वाला टिश्यू है ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट है, ये है तुम्हारा एपिकल, ये ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड स्टेम्स पे प्रेजेंट होता है, रूट की और स्टेम की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ये रूट की और स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ऊपर से काट दें जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा तो एपिकल मेरिस्टम कट जाएगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो टिश्यू है ये है इंटरगैलरी, ये लीव्स के और ट्विग के बेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो ये लीव है इसके बेस पे प्रेजेंट होगा, ये उसकी ट्विग होती है, या ट्विग के बेस पे या फिर लीव के बेस पे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है तुम्हारा क्या, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, ये लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है प्लांट की, क्या बढ़ाता है, गर्थ, गर्थ क्या होती है, चौड़ाई, उसका डायमीटर बढ़ाएगा कौन सा प्लांट तुम्हारा, कौन सा टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि है ग्रोइंग टिश्यू, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके तीन टाइप है एपिकल इंटरगैलरी एंड लेटरल, एपिकल ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टम की, ये लीव्स और ट्विग के बेस पे प्रेजेंट होगा, ये साइड में प्रेजेंट होगा, लेटरल का मतलब साइड, साइड्स पे प्रेजेंट होगा, और क्या बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा, गर्थ मतलब उसकी मोटाई या फिर डायमीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू पे, जब टिश्यू ग्रो होके परमानेंट शेप, स्ट्रक्चर और एक फंक्शन गेन कर लेता है, मतलब वही फंक्शन उसे करना है, वही उसकी शेप रहेगी और वही उसका फंक्शन रहेगा, वही उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा परमानेंट टिश्यू, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट मोर देन वन टाइप के सेल से बने होते हैं। अब सिंपल परमानेंट के भी फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ये टिश्यू पेरेन्काइमा ये बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है, बेसिक पैकिंग टिश्यू है और ये फूड स्टोर करता है प्लांट के लिए, ठीक है, फूड स्टोर करता है प्लांट के लिए। इसके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब है स्पेस बिटवीन सेल्स, ठीक है, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो पेरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मान लो ये टिश्यू है तो इसकी जो सेल्स होगी बहुत दूर दूर होगी, जैसे वही वाला कंसेप्ट है सॉलिड लिक्विड गैस वाला, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर दूर, गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर,
ठीक है, तो वैसे ही इसके इंटर सेलुलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है, फूड स्टोर करते हैं। अब इसका और क्या फंक्शन है, जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जहाँ पे इस टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। वहाँ पे इस टिश्यू का थोड़ा नाम अलग कर दिया गया, वहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्या, क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। अब जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं तुम्हारे, एक्वाटिक प्लांट्स को ये वाला टिश्यू फ्लोट करने में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, एयर एक्वाटिक, ठीक है। दो फर्दर सब टाइप्स हैं, क्लोरेनकाइमा, फर्दर सब टाइप्स नहीं है, वैसे इसी टिश्यू को नाम दे दिया गया है, क्लोरोफिल को भी तो क्लोरेनकाइमा। जब भी एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में तैरने में हेल्प करेगा तो इसे बोलेंगे एयर एक्वाटिक, ठीक है। अब आ गए सेकंड वाले टाइप के, दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, जो प्लांट के पार्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इजीली बेंड हो सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन, वो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल पार्ट होंगे, ठीक है। तो कहाँ, कौन से पार्ट्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लीव्स, ठीक है, वो स्टेम्स जो पतली होती है, जो इजीली बेंड हो सकती है, जो फ्लेक्सिबल होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन सा टिश्यू, हमारा कोलेनकाइमा। और इसके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं कम होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है बहुत कम, ठीक है। अब आ जाओ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट हार्ड होता है वो इसकी वजह से, जैसे कोकोनट का हस्क देखा है, हस्क ऑफ कोकोनट, वो मतलब ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर नारियल होता है, वो उसको बोलते हैं हस्क कोकोनट का, वो बहुत ही हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है तुम्हारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसकी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, एक शुगर होती है, लिग्निन की वजह से इसकी हार्डनेस होती है। तो ये था तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट तुम्हारा दो टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो टाइप का होता है, जाइलम, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट में, जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। हमें पता है ये दोनों क्या करते हैं, जाइलम क्या करता है, वॉटर एंड मिनरल ट्रांसफर करेगा, फ्लोयम क्या करेगा, फूड ट्रांसफर करेगा, फॉर से याद रखना, फॉर से फ्लोयम, फॉर से फूड, ठीक है। अब जाइलम में कौन कौन से सेल्स होती है, जाइलम, पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स, सबसे पहले लिखो ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, एंड जाइलम फाइबर्स,
ठीक है, अब ये फूड ट्रांसफर करता है, इसमें कौन से सेल्स होते हैं? सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ज़ाइलम क्या ट्रांसफर करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। फूड क्या, फ्लोएम क्या ट्रांसफर करेगा? फूड। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है तुम्हारा फूड? लीव्स में। फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होती है, तो वहीं पे तो फूड यहाँ से लेके पूरे प्लांट को ट्रांसफर करेगा तुम्हारा फ्लोएम, मतलब इसकी सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है फूड। और ज़ाइलम की सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेते हैं? कहाँ? रूट से। तो रूट्स से प्लांट वाटर एंड मिनरल लेंगे और प्लांट के हर पार्ट को ट्रांसफर करेंगे। ये था तुम्हारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आ जाओ एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आ जाओ तुम एनिमल टिश्यू। एनिमल्स में फोर टाइप के टिश्यू, ठीक है। पहले है एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ इज हमारा नर्वस टिश्यू। स्टार्ट करेंगे हम एपिडर्मिस से, एपिडर्मल टिश्यू से या एपिथीलियल टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथीलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। एपिथीलियल टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, सॉरी एनिमल्स की। एनिमल टिश्यू की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल बॉडी की, वो होती है एपिथीलियल टिश्यू। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है या वहाँ से बाहर आ रही है, तो उसे एटलीस्ट वन लेयर ऑफ दिस टिश्यू क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। जैसे हमारी स्किन है, स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी के अंदर, यहाँ से कुछ जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? स्किन के थ्रू। तो स्किन एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका? एपिथीलियल टिश्यू का। अब इसके फर्दर टाइप्स, सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, कोलमनर और क्यूबोइडल। सिंपल स्क्वेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा? जहाँ पे सब्सटेंसेस का कुछ भी थोड़ा बहुत भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, वहां पे प्रेजेंट होगा तुम्हारे क्या? सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब्सटेंसेस का थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी है, फूड हो गया, गैसेस हो गई या वेस्ट मटीरियल हो गया, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये तो नहीं कि ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ब्लड तो हमारा ब्लड वेसल्स में है, तो उसके अंदर जाना पड़ेगा फूड को या वेस्ट मटीरियल को या गैसेस को, और उससे बाहर जाना पड़ेगा। तो किसके थ्रू होगा? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू। कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू पास हुआ? सेमी परमीएबल।
तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। अब कोलमनर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, कहीं भी लगा लो पूरी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है ना, जैसे तुम्हारा फूड कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, फूड एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा कोलमनर टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसको कोलमनर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्यूबॉइड पे, जहाँ पे ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है। जैसे किडनी ट्यूबुल्स, किडनी ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है तुम्हारा ये क्यूबॉइड एपिथेलियम। ठीक है, ये था तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। अब आ जाओ सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटन सबसे पहले स्केलेटन करेंगे, स्केलेटन स्मूथ, और तुम्हारा है कौन सा कार्डियक। ठीक है, सबसे पहले मसल्स देखो, मसल्स दो टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, हम चाहेंगे तो हिलेंगे, हम चाहेंगे तो रिलैक्स करेंगे, जैसे हाथों की मसल्स मैं चाहूँगी वैसे ही काम करेंगे पैरों की मसल्स। ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे आईज़ की मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्टमक की मसल्स हमारे कंट्रोल में है नहीं है, तो वो होंगी इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब आ जाओ जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती है, नाम से ही पता चल रहा है वॉलेंट्री मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, हमारे हाथों कहाँ प्रेजेंट होंगी, हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, अब वॉलेंट्री होती हैं हैंड्स और लेग्स में प्रेजेंट होती हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच्ड ब्रांचेस नहीं होती हैं, और जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे ना तो इसमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स नज़र आते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे मान लो ये है मसल है तुम्हारी, तो ऐसे बैंड्स नज़र आएंगे इन मसल्स में। ठीक है, इन बैंड्स को हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस, इसीलिए स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, और यूनि न्यूक्लिएट होती है, यूनि मतलब सिंगल, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब आ जाओ स्मूथ पे, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हार्ट की मसल्स को छोड़ के जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में वो कौन सी होगी, स्मूथ मसल्स। ठीक है, जैसे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कहीं भी लगा लो जहाँ भी मसल्स होंगी वो स्मूथ मसल्स होंगी। अब इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल एक्स टाइप की ये। ठीक है, ये होती है तुम्हारी स्मूथ मसल्स, और मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट
अब खुद ही बताओ, न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं तो क्या सारे न्यूक्लियस सेंटर में आ सकते हैं? ऐसा लगेगा कि सारे ही सेंटर में प्रेजेंट है, नहीं तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होंगे? पेरिफेरी पे। ठीक है, अब आ जाओ कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट की मसल्स एंड द ओनली मसल्स जो थ्रू आउट लाइफ काम करती ही रहती है, बेचारे थकती ही नहीं है। अगर ये बंद हो जाए तो हम भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट की मसल्स को बोलते हैं हम कार्डियक मसल्स। ऑब्वियसली कौन सी है? इनवॉलेंट्री है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? सिलिंड्रिकल बट ब्रांच्ड। ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है। अब ये भी मल्टी न्यूक्लियेट होती है। ठीक है, स्केलेटल स्मूथ कार्डियक वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हैंड्स एंड लेग्स एलिमेंट्री कैनाल हार्ट सिलिंड्रिकल स्पिंडल सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड स्पिंडल सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लियेट एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर मल्टी न्यूक्लियेट एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी मल्टी न्यूक्लियेट एंड प्रेजेंट इन द ऑब्वियसली पेरिफेरी। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारा जो लास्ट टिश्यू है, सॉरी लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं हमारे? कितने कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है हमारी हो गए? सबसे पहले ब्लड, लिगामेंट, सॉरी पहले बोन है, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब इनको कनेक्टिव टिश्यू बोला क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट द एंटायर बॉडी। बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं थ्रू एनी मीन्स। ठीक है, सेकेंड, हमारी जो बॉडी है ना वो तीन लेयर से मिलके बनी है, थ्री लेयर्स, थ्री जर्म लेयर्स जिनको हम बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टो, मेसो, एंडो, एंडो सबसे इनर, मेसो बीच वाली, एक्टो सबसे बाहर वाली, तीन लेयर से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, जो टिश्यू मेसोडर्म लेयर से बने हुए हैं ना वो होंगे कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकली जो टिश्यू मेसोडर्म लेयर से बने वो कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे तो उनको बोलेंगे। सेकेंडली वो हमारे हर बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब है तुम्हारा ब्लड, ब्लड एम्ब्रियोलॉजिकली मेसोडर्म लेयर से बना है इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और हर बॉडी पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड में होता क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं ब्लड में? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये चार
चार चीज़ें होती है तुम्हारे ब्लड में। प्लाज्मा फ्लूड होता है, कलरलेस फ्लूड, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं। रेड ब्लड सेल में होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है, प्लस जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब वाइट ब्लड सेल क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया। कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आएगा उसके अगेंस्ट फाइट करेगी कौन सी, तुम्हारी वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट क्या करती हैं, ब्लड क्लोट में हेल्प करती हैं। जैसे मान लो हमें छोटी सी चोट लग जाती है कहीं पे, तो वो ब्लड जम जाता है चोट लगने के थोड़ी ही देर बाद, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोट। अगर मान लो वो ब्लड क्लोट ना हो तो खून बहता ही चला जाएगा और हम भी खून के साथ बह जाएंगे, समझे। तो इसीलिए जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं ब्लड क्लोट में, इसीलिए ब्लड क्लोटिंग ज़रूरी है, ठीक है। ये था तुम्हारा ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर करता है क्या फूड, गैस, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कर रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट आपस में ट्रांसफर कर रहा है फूड, गैस, वेस्ट मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये था तुम्हारा ब्लड। अब आ जाओ बोन्स पे। सारी हड्डियाँ, हमारा शरीर ही हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है, हड्डियों के फ्रेमवर्क से बना हुआ है, तो बहुत ही हार्ड टिश्यू होती हैं ये बोन। पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, हड्डियों से। अब लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करता है तुम्हारा, कौन सा लिगामेंट कनेक्ट टू बोन्स, ठीक है। अब आ जाओ टेंडन पे, ये मसल और बोन को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज वो बाकी टिश्यूज के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होता है, पर बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये प्रेजेंट होता है देखो ईयर के यहाँ पे, ईयर लोब पे। अगर हम अपने ईयर में, नोज में, ऐसी ऐसी जगह टिश्यू प्रेजेंट होता है, अगर हम अपने ईयर के अपर पार्ट पे हाथ लगा के देखें ना, तो वो हमें थोड़ा सा हार्ड नज़र आएगा, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं जितनी बोन हार्ड होती है, और उतना भी सॉफ्ट नहीं जितना बाकी टिश्यू सॉफ्ट होते हैं। स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन ये वाली पार्ट जो ईयर का होता है ये हार्ड होता है, क्या है, कार्टिलेज, ठीक है। अब एरुलर टिश्यू, एरुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इन द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा एरुलर टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज फैट स्टोर करता है, और ऑर्गन्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, क्या करता है, फैट स्टोर करता है, क्योंकि ये फैट स्टोर कर रहा है तो इंसुलेटर बनता है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंडक्ट नहीं होते इसके। क्लियर हो गया, ब्लड, बोन, लिगामेंट, एडिपोज, कार्टिलेज, एरुलर, एडिपोज, ठीक है। अब हमारा लास्ट टिश्यू रह गया नर्वस टिश्यू। देखो
जैसे मान लो हमें किसी ने टच करा, हमें पता चला क्योंकि हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया, वो किसके थ्रू गया? इस नर्वस टिश्यू के थ्रू। ये बहुत सारी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सबसे पहले सिग्नल ट्रांसफर होगा कैसे? ये है तुम्हारी डेंड्राइट, डेंड्राइट इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये होगी सेल बॉडी, ये होगा एक्सोन, ये होगी नर्व है, ठीक है। अब सिग्नल आएगा कहाँ पे? सिग्नल रिसीव होगा केमिकल की फॉर्म में डेंड्राइट टिप पे, जहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेगा थ्रू सेल बॉडी, एक्सोन एंड द नर्व एंड तक। नर्व एंड पे जाके जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दोबारा केमिकल्स में, और ये फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को सिग्नल जाएगा, फिर से वहाँ पे वही प्रोसेस जो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी फास्ट। देखो हर न्यूरॉन तक हमें यहाँ पे टच करा किसी ने, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचनी है, कैसे तो सोच भी नहीं सकते, उतनी फास्ट होता है ये सिग्नल। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर, टिश्यू फिनिश हुआ यहाँ पे। हमने क्या क्या डिस्कस करा, टिश्यू होता क्या है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू के बेसिक दो टाइप्स थे, मेरिस्टेमेटिक एंड डोरमेंट। एनिमल टिश्यू के कितने थे? चार टाइप थे। और तुम्हारा मस्कुलर, सबसे पहले एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर